वेलकम यू डमी और आज का हमारा डिस्कशन है वीटेक वर्सेस डिप्लोमा के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे किस टाइप के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आप लोगों ने देखा होगा ना कई सारी पोस्ट आती हैं लाइक जूनियर इंजीनियर की पोस्ट आती है like स्टेट के रिसेंट आप बात करें तो बिहार में राजस्थान में ए एम बी आई ए असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर कह लो यार कोई कहता है मोटर व्हीकल मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर जो भी पोस्ट का नाम हो आपके यहाँ पे तो इस पोस्ट के लिए बेसिकली जो मिनिमम क्राइटेरिया मेंशन होता है वो होता है डिप्लोमा तो अब यहां पे क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या इस पोस्ट में बीटेक एलिजिबल है कि नहीं क्योंकि यहां पे मिनिमम क्राइटेरिया अगर डिप्लोमा रख रखा है तो बीटेक को एलिजिबल होना चाहिए इन शॉर्ट ये लोग सोच रहे हैं बाई डिफॉल्ट बट कई सारे कोर्ट्स का इसमें जजमेंट है स्टेट्स का अपने स्टेट्स के जो हाई कोर्ट है उनका जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है उन जजमेंट्स को मैंने अलग अलग डिस्कस किया है बट यहां पे मैं कंबाइन करके और उनका एक कंक्लूजन के हिसाब से आपको चीजों को बता दूंगा तो आज हम डिस्कस करेंगे जेई के एलिजिबिलिटी से रिलेटेड ए बेसिकली मैंने बीपीएससी की बात किया बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की बात किया ये राजस्थान के लिए पोस्ट है इनमें एलिजिबिलिटी का जो कॉन्फ्लिक्ट हो बताऊंगा तो सबसे पहले राजस्थान का जो अभी रिसेंट नोटिफिकेशन आया है उस पर बात करेंगे राजस्थान में एक टू में वैकेंसी आई थी उस पर कोर्ट केस हुआ था उस टाइम कोर्ट ने का, का, क्या कहा था उस पर मैंने एक सेपरेटिव वीडियो बनाया हुआ है यहां पे भी शॉर्ट में आपको बता दूंगा यूपी में इस पे केस हुआ था तो क्या हुआ था केरला में हिमाचल प्रदेश में बिहार में इस तरीके से कई सारे स्टेट्स में केस हुआ तो बेसिकली कोर्ट्स ने जो वहां के हाई कोर्ट्स ने उन्होंने क्या किया और इस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और अब फाइनल हम इसके बारे में क्या समझ सकते हैं ये सारा कंक्लूजन हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वन बाई वन करके चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं ये टेलीग्राम ग्रुप है आपके डिस्कशन के लिए बाकी सारी जो मैं वीडियोस लेक्चर बनाता हूं उसकी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी मैराथन क्लास भी बहुत सारी पड़ी हुई है टेक्निकल नॉन टेक्निकल की आप फॉलो कर सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो सबसे पहले राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग जिसको बेसिकली हम कहते हैं आर एस एम डबल एस बी ठीक है इनमें आपको अब आप पता है कि मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई है तो इनका एक क्लेरिफिकेशन आया है एजुकेशन को लेके क्योंकि इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें आपने देखा होगा कि बीटेक का ऑप्शन ही नहीं दिखा रखा है मिनिमम क्वालिफिकेशन इन्होंने डिप्लोमा मांगा है उसके बाद वहां पर बीटेक का ऑप्शन नहीं दिखाया है कई सारे लोगों का ये आर्ग्यूमेंट था कि टू में जब वैकेंसी आई थी तो वहां पर बीटेक एलिजिबल था उस टाइम पे इस वैकेंसी को आरपीएससी ने करवाया था राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने तो इस बार भी एलिजिबल होगा तो उसको लेके इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है ये नोटिफिकेशन की डेट भी आप देख सकते हो कल की डेट है मतलब ऑफ दिसंबर की डेट है मैं ऑफ दिसंबर को ये वीडियो बना रहा हूं। क्या मेंशन किया इन्होंने बेसिकली पे पात्रता मेंशन है शैक्षणिक योग्यता की बात इन्होंने किया हुआ है यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन द्वारा प्रदत्त ऑटोमोबाइल अभियंत्रिकी तीन वर्षीय पाठ्यक्रम में डिप्लोमा या फिर यांत्रिकी अभियंत्रिकी में तीन साल का पाठ्यक्रम इसमें डिप्लोमा हो आ, आपका या फिर उप उप्रयुक्त तो मतलब क्या होता है इन दोनों जो ऊपर मेंशन है विषयों में से किसी एक में ऐसी अर्था जो केंद्र या राज्य राज्य सरकार उसके समतुल्य मानती है समतुल्य मतलब या तो स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती है कि ये वाली जो डिग्री है ना जो भी डिग्री आपने ले रखा है वो वाली डिग्री डिप्लोमा के बराबर है अब कई सारे लोग ऐसे आर्ग्यूमेंट करते हैं कि बीटेक की डिग्री क्या है इक्विवेलेंट है डिप्लोमा के ऐसा नहीं है बीटेक डिग्री हायर डिग्री है डिप्लोमा के इक्विवेलेंट का मतलब होता है पैरलर डिग्री मान लीजिए किसी ने आईटीआई किया है उसके बाद कोई क्वालिफिकेशन किया हुआ है और उसको स्टेट गवर्नमेंट मानती है कि हाँ ये चीज करने के बाद ये डिप्लोमा के इक्विवेलेंट हो जाता है उस केस की यहां पे बात हैं इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन क्या होती है इससे रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है प्रूफ के साथ कि कहां से आप देखोगे कि आपके एजुकेशन इक्विवेलेंट है या नहीं है वो वीडियो मैं लास्ट में अटैच कर दूंगा जिन लोगों ने नहीं देखा आप देख सकते हो बाकी अभी के लिए यहाँ पे बीटेक एलिजिबल नहीं है वनली डिप्लोमा एलिजिबल है ये क्लैरिफिकेशन है आपके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का वेरी सिंपल इससे पहले भी मैंने कहा था वहां पे दिखा भी नहीं रहा था स्टिल कुछ लोग फॉर्म भरना चाह रहे हैं अब कुछ लोग मुझे कमेंट करके पूछेंगे हम भरें या ना भरें मेरे ओपिनियन के हिसाब से आप एलिजिबल नहीं हो बाकी आपको लगता है कि इन फ्यूचर हो जाएगा नहीं होगा या वो होगा तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए ठीक है बाकी अब आगे बढ़ते हैं बात करते हैं इलाहाबाद कोर्ट का तो इलाहाबाद कोर्ट ने कहा था डिग्री होल्डर कैन बी इन एलिजिबल फॉर द जय इंजीनियरिंग पोस्ट इफ क्राइटेरिया इज डिप्लोमा इन्होंने कहा था कि अगर कहीं पे क्राइटेरिया डिप्लोमा मेंशन किया गया है और आप उसी स्ट्रीम में अगर बीटेक होल्डर हो तो आप उसके लिए इन एलिजिबल होगे ये किसने कहा था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था और तब से लेके अब तक यूपी में जो भी वैकेंसी आती है जहां पे डिप्लोमा क्राइटेरिया होता है वहां पर बी टेक डिफॉल्ट इन एलिजिबल हो जाता है तो ये इलाहाबाद हाईकोर्ट फिर से दोबारा ये मैटर गया था ये पहले का है फिर इसके बाद अभी रिसेंटली एक और आया है उसकी कटिंग में ढूंढा नहीं ढूंढता तो वो भी मिल जाता अब ढूंढो को तो मिल जाएगा रिसेंट फिर से जजमेंट आया है उसमें भी यही कहा गया है कि अगर कहीं पे डिप्लोमा है तो बीटेक वाले एलिजिबल नहीं है ये कहाँ का कहाँ का केस है ये यूपी का केस है इससे पहले हम राजस्थान का डिस्कस कर रहे थे राजस्थान में एक चीज़ में बताना भूल गया आपको कि जब टू में यहाँ पे केस हुआ था बेसिकली एक्सपीरियंस को लेके केस हुआ था उस एक्सपीरियंस के केस में डिबेट चल रहा था तो हाई कोर्ट ने कहा था कि यहां पे जो भी क्राइटेरिया है एक्सपीरियंस का या फिर क्वालिफिकेशन का इसमें कोर्ट को एक्सपर्टीज नहीं है तो कोर्ट ने एक कमेटी बनाया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उसमें हेड बनाया गया और यह कहा गया कि इस कमेटी में तीन लोग होंगे और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं कोशिश करना है कि वो टेक्निकल बैकग्राउंड से हो वो कमेटी बनी थी कमेटी को देखना था कि ये जो एक्सपीरियंस यहां पे रखा गया है जो डीएल रखा गया है डीएल जो क्वालिफिकेशन रखा गया है क्या ये ठीक है या इसको रिव्यू करना चाहिए तो जो फाइनल कमेटी का रिकमेंडेशन था जैसे था उसको रखा गया क्राइटेरिया में कोई चेंज नहीं किया गया अगर आपको उसका प्रूफ चाहिए तो इससे पहले वाली जो मैं वीडियो बनाया था उसमें जजमेंट की कॉपी भी आपको दिखाया था आप चाहो तो देख सकते हो इसमें ऐड इसलिए नहीं किया क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी उसको भी मैं लास्ट में लिंक कर दूंगा तो आपने देख लिया राजस्थान का भी देख लिया आपने यूपी का भी देख लिया अब आपको एक और केस दिखा देता हूं यह केस बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इस जजमेंट को भी मैंने सेपरेटली डिस्कस किया हुआ है आप चाहो तो देख सकते हो सर्च करके मेरे आप जो भी केस सर्च करो ना उसके बाद मनु एकेडमी लिख दोगे तो मेरी वीडियो आ जाएगी अब यहां पे क्या कहा गया है कि हायर क्वालिफिकेशन कैन नॉट बी डिमेरिट फॉर द जेई पोस्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये यहां पे भी मैं आर्टिकल दिखा रहा हूं आप ये आर्टिकल है बेसिकली पेपर का आप चाहो तो ये कोर्ट का जो पी वो भी मिल जाएगी इससे पहले वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने आपको कोर्ट का पी दिखाया था अब वो पीडीएफ में मुझे पीडीएफ में जाना पड़ेगा इसलिए मैं उस झंझट में नहीं पढ़ रहा हूं आप चाहो तो सर्च करके आपको इस मिल जाएगा बहुत बड़ी चीज है नहीं सुप्रीम कोर्ट ने यहां कहा कि भैया देखो अगर किसी के पास हायर डिग्री है तो ऐसा तो नहीं कि उसने गलती कर दिया है अगर सेम स्ट्रीम में लोअर डिग्री है उसी स्ट्रीम में किसी के पास हायर डिग्री है तो क्या प्रॉब्लम है उस वो डिमेरिट थोड़ा नहीं है वो तो अच्छी चीज़ है ना कि जो आप मांग रहे हो उससे अच्छी चीज उसके पास है तो क्यों नहीं ले रहे हो मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे बेंच ने कहा था कि जो बीटेक होल्डर हैं दैट शुड बी अलाउ फॉर द जेई पोस्ट इन हिमाचल इलेक्ट्रिक बोर्ड वहां पे जो जेई की पोस्ट होती है उसमें अलाउ करना चाहिए और उसमें अलाउ किया गया है ठीक है तो ये आप कहोगे कि अच्छा ये तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है फिर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो अपेक्स बॉडी है कोर्ट के मैटर में तो फिर तो हर जगह वैलिड होना चाहिए फिर स्टेट गवर्नमेंट वाले क्यों कूद रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या रीजन होता है क्या कंक्लूजन क्या वहां पे आर्ग्यूमेंट चलते हैं वो जब बिहार वाली हम केस डिस्कस करेंगे यहाँ पे बिहार वाली केस है इसमें मैं बताऊंगा इस वाली पर्टिकुलर केस को बिहार वाली केस में मैंशन किया गया था जो जिन लोगों ने भी केस किया था उन्होंने बताया था कि अपेक्स कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट का इस पे ऑर्डर है आप उसका संज्ञान लीजिए तो जो वहां पे आप एडवोकेट जनरल बिहार गवर्नमेंट से प्रेजेंट हुए थे उन्होंने उसको कैसे आर्ग्यू किया वो मैं आगे आपको दिखाता हूं तो ये केस है बिहार का इन शॉर्ट आप ये जान लो कि बिहार वाली केस में भी जो बीटेक वाले हैं वो हार गए हैं ये सुप्रीम कोर्ट का केस दिखाने के बाद भी बिहार कोर्ट ने मतलब पटना कोर्ट ने बीटेक होल्डर को एम के पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं माना है कहा है कि आप एलिजिबल नहीं है क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया वहां पे डिप्लोमा रखा गया है अब इसमें लूप फॉल क्या है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा तो यहां पे जो बीपीएससी वाला केस था ए का उसकी पीडीएफ आपको नजर आ रही है इन लोगों ने केस किया था आप देख पाओगे और किन के खिलाफ केस था ये सारे स्टेट जो हैं सेक्रेटरी जो हैं ये सारे लोग ऑटोमेटिकली आ जाते हैं क्योंकि रूल फ्रेम यही लोग करते हैं तो जो लोग रूल फ्रेमिंग में होते हैं ऑटोमेटिकली वो आ जाते हैं तो ये रिस्पोंडेंट थे अब इनके इन इनका जो वकील था जिन्होंने केस किया था मतलब बी वालों का वकील कौन था दैट इज वाई वी गिरी इनसे मैंने बात भी किया फोन किया था मैंने सोचा था कि उनसे अगर बात हो पाती है तो हम डिस्कस करते हैं कि क्या आर्ग्यूमेंट हुआ था क्यों बीटेक वाले हार गए बट वो बिजी थे उन्होंने कहा कि आप कल फोन करना मॉर्निंग में तो मेरी इससे ज्यादा डिटेल बात आप जानते ही पैसे के, तो किसी की बात सुनते नहीं वो कहेंगे बीजी है, बीजी, पैसा मिलेगा तभी आपसे डिस्कशन करेंगे खैर इनका लॉ फॉर्म है बड़ा लॉ फॉर्म है तो मुझसे क्यों बात करेंगे मैंने सोचा क्या मालूम एज एनिटी डिस्कस कर ले लेट्स सी कल भी मैं एक बार ट्राई करूंगा बात कर लूंगा अगर कुछ भी बात होती है तो मैं आपको बताऊंगा दूसरा यहाँ पे आपको पता है एडवोकेट जनरल होते हैं स्टेट्स का जो केस लड़ते हैं कि स्टेट के खिलाफ कहीं भी केस जाती है तो यही लोग उनका केस लड़ते हैं बाय डिफॉल्ट सरकारी वकील हैं ये लोग इनके पास डेजिग्नेशन है तो ये लोग इनके खिलाफ थे अब मैं मेन मेन पॉइंट आपको बताता हूँ जो बी के रिस्पोंड कर रहे थे मतलब जिन्होंने केस किया ये वाई गिरी जी को ले लीजिए इन्होंने बेसिकली कंसर्न क्या राइज किया इन्होंने कहा कि यहां पर जो पोस्ट आई है ना वहां पर मिनिमम क्वालिफिकेशन मैंशन किया गया है डिप्लोमा मिनिमम क्वालिफिकेशन है ऐसा नहीं कहा गया है कि इसके बाद कोई एलिजिबल नहीं होगा इनका ये काउंटर था कि ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है तो बीटेक वालों को होना चाहिए एलिजिबल एक चीज और इन्होंने इसमें किया कि 2019 में अमेंडमेंट भी आया है कि बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट कौन सी क्राइटेरिया बेसिकली आपको पता होगा अगर आपने मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ा हुआ है पर्टिकुलर मोटर व्हीकल एक्ट की बात करें तो इसमें रिक्रूटमेंट में किया है कि जो मिनिमम क्राइटेरिया होती है ना वो सेंट्र गवर्नमेंट डिसाइड करती है मिनिमम क्राइटेरिया से कम नहीं कर सकती स्टेट गवर्नमेंट मिनिमम क्राइटेरिया के बाद उससे ज्यादा क्राइटेरिया स्टेट गवर्नमेंट फिक्स कर सकती है जैसे आप लोग कहते हो कि हैवी ड्राइविंग लाइसेंस को तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हटा दिया स्टेट गवर्नमेंट ने क्यों रखा है तो वो स्टेट गवर्नमेंट के जुरिडिक्शन में आता है स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो क्राइटेरिया को बढ़ा सकती है बट जो मिनिमम क्राइटेरिया सेंट्रल गवर्नमेंट से है उसको हटा नहीं सकती तो सेंट्रल गवर्नमेंट की क्राइटेरिया है कि अगर आपको ए लेना है तो एमबीआई पे मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए डिप्लोमा जैसे गुजरात की केस है गुजरात में ए एम बी आई में बीटेक भी एलिजिबल है डिप्लोमा भी एलिजिबल है स्टेट गवर्नमेंट एलिजिबल करना चाहती है कोई प्रॉब्लम नहीं है महाराष्ट्र में ए एम बी आई के पोस्ट में एलिजिबल है बीटेक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है तो ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पे ए एम बी आई का रिक्रूटमेंट होता है असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर कह लो आप मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर कह लो आप उसमें बीटेक एलिजिबल होता है जो आपके साउथ के स्टेट्स हैं उनमें एलिजिबल होता है बट बिहार में यूपी में जो इस टाइप की वैकेंसी होती हैं राजस्थान में आपके यहाँ पे एलिजिबल नहीं है तो रीजन क्या है रीजन यही है कि ये स्टेट गवर्नमेंट का जो होता है कि वो क्वालिफिकेशन क्या फिक्स करना चाहती है बसरते वो क्वालिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के क्वालिफिकेशन से कम नहीं होना चाहिए ज्यादा हो सकती है तो ये पूरा केस रहा अब जब इन्होंने आर्ग्यू किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने चेंज किया हुआ है तो जो आपके एडवोकेट जनरल थे उनका ये पूरा पढ़ोगे पीडीएफ मेंशन है एडवोकेट जनरल का उस पर ठीक है हर स्टेट का यहां पे आप देखो वो केस भी दिखाया गया जो मैंने इससे पहले आपको वो केस दिखाया ना पुनी शर्मा एंड अदर वर्सेस हिमाचल प्रदेश जिसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि जेई के पोस्ट के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा है उसमें बीटेक वाले भी भर सकते हैं ये दिखाया गया और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का अमेंडमेंट है वो दिखाया गया तो उस पे जो बेसिकली एडवोकेट जनरल थे उनका जो आर्ग्यूमेंट था वो ये था कि हाँ बिल्कुल ये सारी बातें ठीक है बट हर स्टेट का अपना एक रिजर्वेशन सिस्टम होता है और ये लेजिस्लेटिव का पावर है कि वो जो मिनिमम क्राइटेरिया है या मैक्सिमम क्राइटेरिया है उसको वो कैसे फिक्स करेंगे और इन्होंने भी कई सारे कोर्ट्स का रेफरेंस दिया जजमेंट का और कहा कि जो लेजिस्लेटिव का पावर होता है उस पावर में लेजिस्लेटिव के पावर में बेसिकली कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती अगर स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि पर्टिकुलर इस आ, पोस्ट के लिए ये एलिजिबिलिटी चाहिए तो उसमें कोर्ट डायरेक्ट नहीं कर सकती कि आप इस एलिजिबिलिटी को चेंज करके ये एलिजिबिलिटी रखो बेसिकली जो आर्ग्यूमेंट था कि बीटेक एलिजिबल होना चाहिए उसको इन्होंने इस तरीके से काउंटर किया कि अगर स्टेट चाहता है कि हम बीटेक को एलिजिबल नहीं बना सकते तो ये स्टेट का लेजिस्लेटिव डिसीजन है इसमें कोर्ट अपने मर्जी से कुछ ऑर्डर नहीं दे सकती कि आप इसका क्राइटेरिया ये फिक्स करिए इस हिसाब से इस कोर्स को डिसमिस किया गया है कि हाँ बिल्कुल ये उस स्टेट का लेजिस्लेटिव पावर है मैं आपको दिखा देता हूं कहीं पर मैंने हाईलाइट किया था तो यहां पे देख लीजिए इस इस बेसिकली केस का रेफरेंस दिया गया था कि ये लेजिस्लेटिव का पावर होता है कि वो डिसाइड करें कि बेसिकली क्या क्वालिफिकेशन है तो इस हिसाब से इन्होंने रेफरेंस दिया था ऐसे रेफरेंस उन्होंने भी दिया था इससे पहले मैंने अब दिखाया जो बीटेक को अलाउ करने के लिए डिमांड कर रहे थे बट उनका जो डिमांड था मुझे लगता है कि वो इसलिए खारिज कर देगा कि उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा है अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा है वो जरूरी नहीं है स्टेट उस पर बाउंड नहीं होता है जहां पे स्टेट गवर्नमेंट का जुरिडिक्शन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर पे बाउंड नहीं होता है जैसे स्टेट पुलिस है वो स्टेट गवर्नमेंट का जुरिडिक्शन है तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि पुलिस में भर्ती ले रहे हो आप तो आप ग्रेजुएशन मस्ट करो अब वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि हम टेंथ पास को लेंगे ट्वेल्थ पास को लेंगे पुलिस में या फिर ग्रेजुएशन वालों को लेंगे तो ये स्टेट का जो रिडिक्शन है सेम चीज यहां पे हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन पे या फिर जो स्टेट्स हैं दूसरे स्टेट्स के जो जजमेंट है उसके डायरेक्शन पे ये चीज को हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं ये हर स्टेट्स का अपना लेजिस्लेटिव पावर है कि वो क्या डिसाइड करते हैं मिनिमम और मैक्सिमम क्राइटेरिया ये सारी बातें और ये सारा रिफरेंस को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि भैया हम इसमें कोई ऑर्डर नहीं दे सकते हैं और जो पिटि जो आपके पिटिशन है उसको हम क्या करते हैं डिसमिस करते हैं मतलब जो बीटेक की डिमांड थी उसको खारिज कर दिया गया कोर्ट ने कहा कि हम कोई ऑर्डर नहीं देते हैं तो यहां से भी आपको वही नेचर नजर आ रहा है जो राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा था कि हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं है स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करे कि क्या होना चाहिए उन्होंने कमेटी जरूर बनाया था कहा भी था कि कमेटी रिपोर्ट दे अपना बट कमेटी में कौन लोग थे स्टेट्स के लोग थे तो वो कैसे रिपोर्ट देंगे जैसा स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी वैसा रिपोर्ट देंगे और पॉलिटिक्स भी होता है आपको पता है कि अल्टीमेटली जो वैकेंसीज होती हैं उनमें पॉलिटिक्स भी रहता है स्टेट गवर्नमेंट्स का अपना अपना तो ये सारी ये सारी चीज़ें हैं इसलिए बेसिकली बेसिकली जो 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 कोर्ट केस है इसमें बीटेक वाले हार गए और मेरा जो यहाँ पे ओपिनियन था मैं इसीलिए गिरी जी इनके वकील हैं उनको इसलिए फोन करने जा रहा था कि अगर ऐसा है ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो जो लेटरल एंट्री दिया जाता है बीटेक में डिप्लोमा को वो इसीलिए दिया जाता है क्योंकि दोनों वैकेंसी सेम दोनों जो डिग्री हैं वो सेम नेचर की हैं एक उसी नेचर की हायर डिग्री है दूसरा उसी नेचर की लोअर डिग्री है तो अगर है तो ऐसा अलाउ होना चाहिए बट डेफिनेटली अब स्टेट गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही है तो कोई कुछ नहीं कर सकता और अल्टीमेटली कई सारे स्टेट्स में ये जो पूरी केस है वो कोर्ट में भी गई बट कई जगह जीत गए कई जगह हार गए जैसे हिमाचल में अब अलाउ हो गया है यूपी में अलाउ नहीं है राजस्थान में अलाउ नहीं है बिहार में अलाउ नहीं है गुजरात में पहले से अलाउ है तो इस तरीके से आप स्टेट्स हैं उनके अपने अपने रूल हैं अपने अपने इंटरेस्ट हैं उस हिसाब से वो करेंगे इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता हाँ शायद आर्ग्यूमेंट कुछ दूसरा होता तो मे भी कुछ हो सकता था बट आई डोंट नो और इससे पहले भी हमने इसका डिटेल में डिस्कशन किया था तो अल्टीमेटली यही है भैया बीटेक वाले कि आप एलिजिबल नहीं हो ऐसी कोई पोस्ट जो मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा मेंशन कर रखा है अगर मेंशन कर रखा है मिनिमम क्वालिफिकेशन इज डिप्लोमा एंड एवं तो वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो अदरवाइज आपका पत्ता कट है स्पेशली उन स्टेट्स में जहां पे इस टाइप के जजमेंट्स पड़े हुए हैं अब इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं जिसके बारे में डिस्कस कर कर सकते हैं दूसरा कोई रास्ता मैं डिस्कस करता हूं तो डिप्लोमा वाले मुझसे नाराज हो जाते हैं कि आप तो लोगों को भड़का रहे हैं मैं भड़का नहीं रहा हूं दिस इज जस्ट अ जनरल ओपिनियन ठीक है ये इस तरीके से जनरल ओपिनियन है जैसे मान लीजिए मैंने पहले भी कहा था कि कहीं पर आई आई बेसिस पे वैकेंसी आए और ये कहा जाए कि ये आईटीआई की वैकेंसी है यहां पे डिप्लोमा वाले एलिजिबल नहीं है मान लीजिए किसी ने आईटीआई किया है इलेक्ट्रिकल में और आपने इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा किया है तो बिल्कुल आपको आईटीआई के उस पोस्ट पर एलिजिबल होना चाहिए क्योंकि सेम कैटेगरी की पोस्ट अगर आईटीआई वाला डिप्लोमा करने आएगा तो उसको एक साल का फायदा होता है तीन साल का डिप्लोमा उसका दो साल में होता है क्यों होता है भाई क्योंकि सेम कैटेगरी का उसके पास लोअर डिग्री है बट ये सब आर्ग्यूमेंट कोर्ट में हुआ था कि नहीं यही समझने के लिए मैंने गिरी जी के पास फोन किया था। बट अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि अभी जो वैकेंसी पेंडिंग पड़ी हुई थी बीपीएससी की हालांकि बीपीएससी को को वैकेंसी कोर्ट ने स्टे नहीं नहीं दिया था स्टिल वो मजे में थे थे एग्जामिनेशन करवा रहे थे, अब तो खैर उनके पास कोई एक्सक्यूज भी नहीं बचा है होप्स हो कि अब आपका एग्जाम वो कंडक्ट करवा देंगे और केवल डिप्लोमा एलिजिबल है तो आप इंजॉय करिए खुश तो बहुत हो गए आज आप तो करिए मेहनत करके पेपर दीजिए होप्स हो कि आपका सिलेक्शन हो और बाकी चीज़ें जो हमने डिस्कस किया आइडिया है कि आपको क्लियर हो गया होगा कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं एक रिक्वेस्ट और है कि कमेंट बॉक्स में आप लोगों को भीड़ नहीं जाना है एक दूसरे के साथ गाली गलौज नहीं कर लेना है कि तुम गवार हो बीटेक वाले कहें डिप्लोमा गवार है डिप्लोमा वाले कहें बीटेक गवार है इस टाइप की लड़ाई इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने कर लिया था तो ये सब करने का कोई मतलब है नहीं जो कोर्ट ने कह दिया गलत किया सही किया हम ये भी नहीं कह सकते क्योंकि जैसे ही कोर्ट को आप गलत कहते हो कंटेम्प्ट आप कोर्ट लगा देते हैं और आप लॉयर भी नहीं हो अलग ही प्रॉब्लम हो जाएगी ठीक है तो चलिए यहां पे वीडियो को एंड करते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अलविदा